देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आगरा पुलिस की सर्विलांस टीम की बड़ी सफलता, लूट चोरी और छिनैती हुए 120 मोबाइल को पुलिस ने किया बरामद। बरामद हुए मोबाइल की अनुमानित कीमत लगभग 18 लाख रुपए। घटनाओं को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोबाइल पाकर पीड़ितों के चेहरे पर आई मुस्कान। पीड़ितों ने आगरा पुलिस का किया तहे दिल से धन्यवाद। देखिए आगरा से असलम अली की रिपोर्ट। देखिए, सर्विलांस टीम कमिश्नरेट आगरा के द्वारा विगत 1.5 महीने में खोए हुए, चोरी हुए और कुछ स्नैचिंग के यानी लूटे हुए मोबाइल फोन, उनकी बरामदगी की गई है। कुल 120 मोबाइल फोन हैं इसमें जो बरामद हुए हैं और इनकी अनुमानित जो कीमत है वो लगभग 18 लाख रुपए है। लगातार, जैसा कि आपको पता है कि एक सर्विलांस सेल में एक विभाग होता है जो लगातार इन चोरी के मोबाइल फोन जो होते हैं उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, और पिछले महीने भी 111 मोबाइल फोन यहाँ पर रिकवर करके उनके ओनर्स को, उनके स्वामियों को दिया गया था, और उसी क्रम में आज फिर ये 120 मोबाइल फोन रिकवर करके दिए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मोबाइल फोन एक आम व्यक्ति के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है और सामान्य जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो हम मोबाइल फ़ोन के माध्यम से पूरा करते हैं। अतः लोगों को असुविधा ना हो और उनका ये वैल्यूएबल जो सामान है उनको जल्दी से मिल जाए, इसलिए कमिश्नर सर के आदेश के क्रम में लगातार रिकवरी का काम चलता रहता है। हाँ, इसमें जो 4 मुकदमे हैं वो उनका अनावरण हुआ है, 6 अभियुक्त गिरफ्तार भी हुए हैं, बाकी के गुमशुदा मोबाइल थे वो भी बरामद हुए। देखिए, ये मोबाइल एक स्नैचिंग का मुकदमा है और उसी स्नैचिंग करने वाले ही, अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत बेहद इनका कोई लंबा कार्यक्षेत्र है, लेकिन ये आगरा से ही बेस्ड लग रहे हैं।